वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी शर्ट का बताया था कि ये आपने प्लेट डालने बताए थे आपको और चिपड़ी डोरी का बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल लेग गले की डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो स्टार्ट लेते हैं। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये मैं आपको चिपटी डोरी बनाने का एक थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाऊंगी कि आपने ये किस तरह प्रॉपर बनाना है। इसी तरह इसको डबल रख के और इसको हल्का सा प्रेस करके इसको ऐसे इस स्टाइल में डोरी बना लेनी है इसकी। इसी तरह 5-6 डोरियाँ इसी तरह बना लेनी है और इसको छोटी छोटी लूप्स की शक्ल में कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके फिर आप, जैसे ये है, आपने इतनी सी हुक इसको इसकी कटिंग करनी है। इस हुक के ज़रिए ही आपके गले की डिज़ाइनिंग होनी होगी। अब मैं आपको गले का तरीका बताऊंगी कि गले को प्रॉपर आप शर्ट के ऊपर रख के कैसे आप बना सकते हैं। जी, ये मैंने गला चिपका लिया है। ये पट्टी स्टाइल में बनेगा, जो मैंने आपको बताया कि ये लूप्स बनेंगे। इस स्टाइल में आपने ये गले की कटिंग करनी है, बुकरम की कटिंग करके कपड़े पे इसको चिपका लेना है। अक्सर बच्चियां कहती हैं कि अभी हमें गला लगाते हुए गला हमारे से टेढ़ा हो जाता है या साइड में चला जाता है पट्टी जो होती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट सा तरीका है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने कमीज़ का बिल्कुल सेंटर बना लेना है इस तरीके से, प्रेस करके बिल्कुल एक लाइन बना लेनी है। इसी तरह आपने ये जो गला हमने बनाया है, यानी जो हमने बुकरम काटा है, जो गला चिप्स ये लगाई है, इसी को और इसको, इसका बिल्कुल सेंटर हमने आपस में मिला के इसको सेंटर की सिलाई लगा देनी है, ताकि आपकी ये सिलाई बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो। मुकम्मल आपने लंबाई यहाँ तक लगा लेनी है। जी, ये आपको मैंने गला लगाना बता दिया। अब हमने जो चिपटी डोरी बनाई थी उसके हमने ये 1 इंच की एक हिसाब से काफ़ी सारी टुकड़ियाँ काट लेनी है इसी स्टाइल में, और इसी के हम लूप्स बनाएंगे छोटे छोटे इसको फोल्ड करके। ये ऐसे इसकी फोल्डिंग करके आपने गले के साथ इसको राउंड शक्ल में घुमाते जाना है। अगर आप ज़्यादा क्लोज चाहते हैं तो क्लोज़ करें, अगर थोड़ा सा फासला चाहते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस स्टाइल में आप इसको ऐसे राउंड की शक्ल में लगाते जाएंगे और मुकम्मल गले में आप इसको लगाएंगे। ये बहुत प्यारा लगता है, गर्मियों के हिसाब से लाइट भी है और अच्छा भी लगता है, और ये कम कपड़े में भी ये डिज़ाइन बन जाता है। वैसे तो ये जो रेप बनाते हैं, उरे पट्टियाँ बना के जो गला बनाते हैं, उसमें भी बनता है, लेकिन उसमें कपड़ा आपका ज़्यादा लगता है। इसमें यह है कि कपड़ा कम लगता है और आप गला भी अच्छा बना सकते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी कर सकते हैं। जी, ये हमने हुक्स बना के गला तैयार कर लिया है। आप देखें, बिल्कुल लाइट सा है गला, लाइट सा गला है। हुक्स बना के एक जैसी शेप, राउंड शेप में इसको लगा दिया, आगे पट्टी स्टाइल में लगा दिया। साथ में हमारे पास ये पर्ल्स मोती थे लटकन में, तो ये हमने इस तरह लाइन में लगा दिए। यही शेप जो है ना, इसके दुपट्टे में भी हल्के हल्के आ रहे हैं, तो उसी कलर के हमने ये टसल्स लगा दिए कुछ। यानी एक सिंपल को थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो ये अच्छी डिज़ाइनिंग में हो सकता है। बस यही है कि ये हमने प्लेट डाले, इसकी हुक्स बनाई और गले को एक जॉइंट सिस्टम में इसको सेट कर दिया। इसी में ये बहुत पहनावा बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप देखें, आपके पास अगर ऐसी डिज़ाइनिंग है, आप थोड़े से टाइम में, थोड़ा सा वक्त देंगे तो आप ये डोरियां भी बहुत मुश्किल नहीं है आपको बनानी, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाना बताई है आपको, तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा घर में ही आप इसको अच्छे तरीके से सेटअप करें, में थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत अच्छा एक डिज़ाइन आप तैयार कर सकती हैं। आप इसको पहने देखें। आप अब मैं आपको ये ना मुकम्मल तैयार करके
फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको ये मुकम्मल कैसा लग रहा है। साथ में बाजुओं की डिज़ाइनिंग होगी, शलवार के पांचों की डिज़ाइनिंग होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें इतनी चीज़ें नहीं मैंने ऐड की कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं या कपड़ा लाइट है या कुछ भी है। बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड करने से ये है कि हमारी ये बिल्कुल जो सिंपल लुक थी वो थोड़ी सी एक अच्छी लुक में बन हो गई है। तो इसी में अब मैं आपको थोड़ी सी कमीज़ की फ़िटिंग का भी बताऊंगी कि आराम से अगर आसानी तरीके से जो फिटिंग होती है वो आप कैसे निशान के बगैर आप कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें आपने ये हो गया है। और ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फ़िटिंग का एक हाशिया बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने बगल से जो सिलाई लेनी है, जितना आपका यहाँ से चेस्ट है, इनकी जो है ये 21 थी तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। और आपका हिप से और इसका जो है ना हम सेंटर लेंगे, क्योंकि सेंटर से जो जो चीज़ होती है ये और ये हमारा आ जाएगा सेंटर। हम सेंटर तक यहीं से पकड़ेंगे और इसको अच्छी लुक में फिटिंग का हाशिया लगाएंगे। यहाँ से आपने आके हल्का सा इसको राउंड में घुमाना है और अच्छे तरीके से इसको सेटअप करके आपने हिप तक ले जाना है। ये देखें, बहुत ही कम वक्त में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा निशान लगवा कर फिटिंग का अंदाज़ा करवाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो फिटिंग में इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। ये एक शेप में आपको फिटिंग मिल जाएगी, देखें बिल्कुल एक शेप में आपको ये फिटिंग मिल रही है। इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई लगा के मैं आपको मुकम्मल ये इसका सेटअप दिखाऊंगी कि मुकम्मल ये बना हुआ कितना प्यारा लगता है और इसकी फिटिंग कितनी अच्छी लगती है। जी गाइस, देखिए एक सिंपल से कपड़े को हम अगर थोड़ी सी खूबसूरती दें तो ये बहुत प्यारा बन सकता है। आम हल्के फुल्के फंक्शन पे भी आप इसको अगर पहने तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये प्लेटें डालने से, बुक्स लगाने से और टसल्स बटन की लटकन लगाने से ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन गई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरह सीढ़ी लैस के साथ बाजुओं के कट्स, और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि शलवार के पांचों में भी मैंने इसी तरह ये इसकी डिज़ाइनिंग की है। ये देखें, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र को भी जैसे बाजुओं की लुक है वैसे ही मैंने इसके ट्राउज़र की लुक दी है ताकि कुछ ये अच्छा लगे। देखें ये बाजू और ये ट्राउज़र में ये है कि मैंने एक नोक वाली इसके कट्स बनाए हैं और दूसरा मैंने मुकम्मल गुलाई में कट्स बनाया है। इसी तरह बाजुओं के ये चीज़ बनाई है, इसमें टोटल ही गुलाई दी है। तो ये एक किस्म का मुकम्मल मैचिंग सूट बन गया है। और दुपट्टे के साथ ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और गला इसका बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इंची टेप के बगैर मैं आपको शर्ट की कटिंग करना बताऊंगी। और आप देखिएगा, इंची टेप के बगैर कटिंग और उसकी फिटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त आती है। बहुत सारी बच्चियों को मैंने ऐसे ही बताया है और वो बहुत मुश्किल उनको लगता था इंची टेप से नाप करना। तो जब से मैंने उनको इंची टेप के बगैर बताया है, शर्ट के हिसाब से बताया है, तो वो बहुत खुश हुई हैं कि आप हमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है, हम बहुत अच्छा सिलाई कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।